सरकार 2.5 साल से एयरफोर्स की वैकेंसी को रोक के रखी हुई है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इनरोलमेंट के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लड़के जो है रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और सरकार 2.5 साल के बाद सो के उठी और बोलती है सारी वैकेंसी रद्द और 4 साल के लिए अग्निपथ के थ्रू रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा क्यों नहीं करती सरकार कि एमएलए एमपी जो बनते हैं उनको 2 साल के लिए रखे, उनका पेंशन भी खत्म करे, उनका भत्ता भी खत्म करे और उनको सदन वीर कहा जाए। सर, जब सेना में जाने वाले के लिए 4 साल के अग्निवीर कह सकते हैं तो सदन में जो काम करते हैं उनका पेंशन भी खत्म किया जाए और 2.5 साल के बाद सारी वैकेंसी को रद्द करती है तो स्टूडेंट कहाँ जाए। सर, सरकार जो है सो के उठती है उसी टाइम बोल देती है कि हम वैकेंसी को रद्द करना चाहते हैं, उस टाइम कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं लेती। हम लोगों ने सर, मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, मैं यूपी से हूँ, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। सर, हम लोगों ने 2020 में एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, हमारा अगले महीना ज्वाइनिंग होना था, फिर हम लोगों ने 2021 में एग्जाम दिया था, रिजल्ट आना था, सब कुछ फाइनल है, पीएसएल में नाम आया हुआ, अगले महीने हमारी ज्वाइनिंग होनी थी जुलाई में, लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और कह रहे हैं नई स्कीम में 28 महीने की ट्रेनिंग होती है। ये लोग 28 महीने की ट्रेनिंग को बोल रहे हैं कि हम 70 दिनों में करा देंगे, किस प्रकार करा देंगे? ये लोग बोल रहे हैं 30 हज़ार महीने देंगे जिसमें से 8 हज़ार काट के आपके हाथ में 22 हज़ार रुपये आएंगे, रिटायरमेंट के बाद ये जॉब देंगे, जॉब देने के नाम पे ये एटीएम के आगे बंदूक पकड़ा के खड़ा कर देते हैं, बड़े बड़े बैंकों में सिर्फ गेट खोलिए और गेट बंद कर देंगे। हम उतने बड़े शिक्षा प्रशिक्षण लेकर आते हैं एयरफोर्स से, सिर्फ एटीएम के आगे बंदूक लेके खड़े होने के लिए नहीं, 22 हज़ार रुपये भीख दे रहे हैं हमको, 22 हज़ार रुपये आप हमको भीख दे रहे हैं, एक मजदूर बेल्डिंग करने वाला 25 हज़ार रुपये कमाता है, ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। 70 दिन में ट्रेनिंग जो देने का बात कर रहे हैं ना, ये दिवाली में जब बम नहीं फूटता है वही वाला फोड़वाने का काम कर रहे हैं। सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुर्गा छाप ला के रख देंगे, आप फोड़ो फोड़ो वही फोड़ो, महीने की ट्रेनिंग 70 दिन में कंप्लीट करा पाएंगे, चल जाएगा हम लोग। अरे गोली खाएंगे यहाँ तो लड़ाएंगे भी, वैसे ही ऐसे लड़ना चाहिए क्या? आप मुर्गा छाप पड़ाकर बना देंगे, वही तो 70 दिन में कौन सा ट्रेनिंग हो जाएगा बोलिए? 22 महीने की ट्रेनिंग होगा, 22 महीने की ट्रेनिंग होता है 70, अब आप ही बताइए, 3 साल के कोर्स रहेगा और आपको 6 महीने में कम्प्लीट करवा देगा, बताइए ना, 3 साल के कोर्स रहेगा और आपको 1 महीना में कम्प्लीट करवा देंगे, हो जाएगा बोलिए तो आपसे? 5 साल से तो सिर्फ एनसीसी करने में लगा सर हम लोग को, जब सी सर्टिफिकेट होल्डर कर लिए, दौड़ और मेहनत इतना कर लिए तो पता चलता है हम लोग को 4 साल का ही नौकरी मिलेगा। अब हम ये बात पूछना चाहते हैं, 70 दिन में आप कैसे कर दीजिएगा और 4 साल के लिए ला दिए आप कानून कि हाँ आप 4 साल के लिए जॉब कीजिए, कौन 4 साल के लिए गोली खाएंगे? 4 साल के लिए सिर्फ, अभी 1 घंटे पहले हमारे रक्षा मंत्री लाइव आके बोल रहे हैं कि आपको 2 साल के लिए एज में हम छूट देंगे, ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा ताकि बच्चे उधर आकर्षित हो जाए, वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। आप हम 3 साल तैयारी करके और 4 साल के लिए जॉब में जाएंगे, सारी चीजें हम पुराने पैटर्न पे चाहते हैं, पुरानी वैकेंसी उन्हें रद्द नहीं करके उन्हें सही से बहाल किया जाए, नहीं तो हम टीओडी के लिए मानने के लिए तैयार है, दोषी नेताओं और ऑफिसर पे भी टीओडी लागू किया जाए, विधायक सांसद सब पे टीओडी लागू किया जाए, जो अच्छा काम करेगा वो 5 साल का पेंशन और भत्ता खत्म किया जाए तब हम टीओडी मानने के लिए तैयार है। विधायक सांसद जी, एमएलए एमपी जितने होते हैं उनकी टीओडी जो उनका भत्ता होता है पेंशन होता है उसे खत्म किया जाए, अगर 2 बार एमएलए एमपी बन गए तो उन्हें 2 बार पेंशन मिलता है। चलिए, ये तमाम अभ्यर्थी क्या, चलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर अग्निपथ अग्निवीर के अभ्यर्थी यहाँ पर बात कर रहे थे और यहाँ पर तमाम लोगों से बात करते हुए अभी बात के कारगिल चौक पर आया हूँ, अभी के लिए इतना ही कहूँगा, बने रहे जकास भारत के साथ, मेरा नाम और अभिनंदन।